स्वागत है आप सभी का गोलगट्टम लकड़पट्टम में। तो आज का जो मुकाबला होने जा रहा है वो है टीम ब्लेंडर्स वर्सेस आईएनडी रॉयल्स। तो आईएनडी रॉयल्स जहां अपना दूसरा मैच खेलेगी, वहीं टीम ब्लेंडर्स के लिए ये मुकाबला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले तीन मैचों में, दो मैचों में उनको निराशा हार लग चुकी है और ये मैच जीतना ज़रूरी है अगर उनको इस टूर्नामेंट में बने रहना है। इसीलिए शायद टीम ब्लेंडर्स आज ग्राउंड में सबसे पहले पहुंची है और उनके खिलाड़ी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो पिछले मैचों में गलती हुई थी, कहीं ना कहीं एक खराब क्षेत्र रक्षण की वजह से टीमें मैच हारी थी, तो आज ग्राउंड में आते ही पहले उन्होंने कैचिंग प्रैक्टिस करी, काफ़ी बातचीत हुई, तो काफ़ी प्लानिंग के साथ में टीम ब्लेंडर्स उतरी है। वहीं आईएनडी रॉयल्स को भी हम देखेंगे कि किस तैयारी के साथ उतरती है, और हम आशा करेंगे कि ये मैच काफ़ी टक्कर का मैच हो और दोनों टीमें अच्छे खेले, शानदार मैच हो। तो चलते हैं टॉस की तरफ और देखते हैं टीमें क्या फैसला लेती हैं। ओके, तो मेरे साथ है प्रतीक कुमार टीम आईएनडी रॉयल्स से। तो प्रतीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टॉस जीत गए। सो आपने क्या डिसाइड किया है? हमने पहले बॉलिंग चूज किया। तो क्या क्या रीज़न है इसके पीछे, बॉलिंग चूज करने के पीछे? पिच थोड़ी गीली लग रही है, तो अभी पिछले मैच में मैं देख रहा था बाहर से कि बॉल फंस के आ रही है, तो बेसिकली यही सोचा कि बॉलिंग पहले करते हैं, सो दैट वी कैन चेंज इट। ओके, तो पिछला मैच जो आपका पीएचएस लाइंस के साथ में हुआ था, काफ़ी बड़े मार्जिन से थोड़ा निराशा हाथ लगी थी, तो कुछ टीम में बात हुई है, कुछ प्लेयर्स को समझाया, कुछ डिस्कशन हुआ है, स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव है? हाँ, डिस्कशन तो होती है एवरी मैच, आफ्टर एवरी मैच डिस्कशंस तो होती है। हाँ, हमने पिछली बार थोड़ा चेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बेसिकली वी विल वर्क ऑन दिस, सो इस बार अच्छा खेलेंगे, कोशिश करेंगे मैच जीत के जाएं। सो कितना स्कोर आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हो, कितना बनेगा अभी? इनको हम कोशिश करेंगे 150 के अंदर रोक लें बेसिकली। तो बिल्कुल, आई होप ऐसा हो और अच्छा मैच हो। सो थैंक यू टाइम देने के लिए, थैंक यू भाई। ओके, तो मेरे साथ हैं दीपक त्रिपाठी टीम ब्लेंडर से। सो दीपक, हार्ड लक, आप टॉस हार गए, तो क्या लगता है अगर टॉस जीते तो क्या डिसीजन रहता? हमारा पहला डिसीजन था बैटिंग करने का, क्योंकि अभी लास्ट टू टाइम से हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, बट लास्ट मैच हम पहले बैटिंग करके 160 का टारगेट दिया था ऑपोजिशन को और हमने वो डिफेंड किया था, तो अभी कोशिश यही रहेगी कि 160 नहीं, एटलीस्ट 180 एंड 200 के बिटवीन स्कोर करें। और मेरा प्लान था पहले बैटिंग करने का ही, बट कोइंसिडेंटली वही कर रहे हैं, तो दोनों लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इस टूर्नामेंट में अभी तक जो भी टीम का और मैचेस का आपका समीकरण है, कहीं ना कहीं ये मैच आपके लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है, तो क्या टीम के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ स्ट्रेटेजी हुई, क्या कुछ ऐसी बातचीत हुई? पहला मैच हम बहुत क्लोजली हार गए थे, क्योंकि हमारा पिंक बॉल से पहला मैच था, इस ग्राउंड पे भी पहला मैच था, तो उतना फैमिलियर नहीं थे, तो इसके वजह से हम हार गए और वो क्लोज हारे थे। दूसरा मैच जो है हम थोड़ा हाई मार्जिन से हार गए थे, एंड देन हमने बाउंस बैक किया थर्ड मैच में, और अभी हमने यही डिसाइड किया है कि इस मैच को हमारे लिए मस्ट विन है और हम उसी तरह से खेलेंगे, फर्स्ट बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर करेंगे एंड देन हम अच्छी बॉलिंग करके उसको जीतेंगे। बिल्कुल दीपक, आई होप ऐसा ही हो, एंड थैंक यू टाइम देने के लिए, एंड विश यू गुड लक, थैंक यू। सुरेश और सत्तू आए हैं ओपनिंग बल्लेबाज ब्लेंडर की तरह से बल्लेबाजी करने के लिए। हिमांशु आए हैं पहला ओवर डालने के लिए, लंबे कट की गेंदबाज, काफी अच्छी लाइन और लेंथ रहती है। ये जो टांस वांस हो रहा है थोड़ा होता रहेगा, पर पहली बॉल करने जा रही है स्पिन बॉल, क्रिकेट टूर्नामेंट की पांचवा लीग मैच खेला जा रहा है आईएनडी और ब्लेंडर के बीच में। पहली बॉल जबरदस्त शॉट, सुरेश के बल्ले से आता हुआ
मात्र दिशा दिखाई, बहुत ही शानदार हुआ पहली बॉल पे। जैसे कि बताया गया अभी ये बैट नया लिया है इन्होंने स्कीपर स्कोर से, छोटा गेंद थोड़ा फंसे थे सुरेश, लेकिन अपने हल्के हाथों से खेला और इसी के साथ एक रन और सत्तू पर। जबरदस्त ऑर्डर है किस इंडिया पर देखने को मिली, इसी के साथ सत्तू ने भी अपना खाता खोला। पहली ही बॉल पे दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला। शायद इनको पता है कि पहला प्यार और पहला रन जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही बेहतरीन होता है, और उस मौके को जबरदस्त कट देखने को मिला सत्तू के द्वारा। ठीक है, नितिन अभी से और एक आसान सा कैच यहाँ पर आता हुआ और टाइम करने में यहाँ पर जबरदस्त कट देखने को मिला सत्तू के द्वारा। ठीक है, नितिन अभी से और एक आसान सा कैच यहाँ पर आता हुआ और टाइम करने में यहाँ पर पहला विकेट आता हुआ टीम ब्लेंडर का। बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्विंग देखने को मिला यहाँ पर। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, लंबा स्कोर से लेकर बहुत ही शानदार गेंदबाजी अद्भुत तरीके से यहां पर नजारा देखने को मिल रहा है मैथ्यू के द्वारा, और इसी के साथ दो रन इस मौके पर नौ रन ये मेडन ओवर आता हुआ मैथ्यू का। उनके स्टैट के हिसाब से बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी करने को दिख रहे मैथ्यू। अगली गेंद सुधांशु की, थोड़ी दिशा ही गेंदबाजी सुधांशु के द्वारा और इसी के साथ अच्छी गेंद देखते हैं सुधांशु थोड़ा ऊपर क्यों बॉल करें, हमेशा गुड टेंथ पे उनका हिट करता है। अच्छी गेंद उसने हो सकता था लेकिन सुरेश ने मना किया।
आजकल रूल ऐसे आ रहे हैं कि क्रिकेट में पांच क्रिकेट छोड़ के जो उसकी मजबूत बॉल है उसी पे वापसी करिए, उसी पे बॉल बैठने को और ले लीजिए टूर्नामेंट में। एक और गेम लेकिन थोड़ी लेग साइड की ओर जाती हुई अंपायर ने लेग बाई का इशारा देकर एक और अतिरिक्त के रूप में रन बढ़ता हुआ तीन अंपायरों को शानदार अंपायरिंग का प्रेस करेंगे सामना। और एक बार विकेट आता है, बहुत बड़ा विकेट है टीम ब्लेंडर के लिए। स्विंग हो रही है पिंक बॉल की, एक खासियत की बॉलर के लिए पूरा मौका है कि ऊपर की ओर जाएंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका मिलेगा और
उसी का पूरा फायदा उठाते हुए अश्विनी एक और चौका यहाँ पर डॉक्टर अंजलि बोर्ड पे लगता हुआ ले आया। एक और अच्छी गेंद डॉक्टर अंजलि के बारे में बताया जाए तो सफदरजंग हॉस्पिटल में नई टेस्ट कर बहुत ही अच्छी फिजियो और करंट बिहार टीम की भी फिजियो तो काफी जाने माना चेहरा है डॉक्टर अंजलि। अच्छी गेंद यहाँ पर शंकर अगली बॉल लाते हैं स्विंग होके बॉल बाहर जाते हैं किसी रखी पर के दफ्तानों में मैचों में 409 रन अपने नाम कर चुके हैं और एक और अतिरिक्त के रूप में आता हुआ रन बॉलिंग और मैन ऑफ द सीरीज की बोर्ड में भी विशाल शर्मा सबसे ऊपर 46 पॉइंट के साथ अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है लेकिन 46 पॉइंट पहुंच चुके हैं। और इसके साथ पहला पावर प्ले खत्म होता हुआ टीम ब्लेंडर का 28 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर चुकी है। You have anything to drink? I don't know. It's like really chicken and thing. मौका था लेकिन अगर पसली को किलो शायद एक और विकेट यहाँ पर हो चुकी थी एक और अच्छा गेम
आगे बढ़ सकते हैं, अमर लेकिन अगर उतना ही अच्छा खेल होता तो कहीं ना कहीं परेशानी नहीं। एक और बढ़िया शॉट यहाँ पर आता हुआ सोनी के बैट से, जैसा कि पहले के अर्थन के बल्लेबाज काफी अच्छा खेलता हुआ नजर आ रहा है। एक और बढ़िया शॉट यहाँ पर, लेकिन फील्डर पीछे है, मुश्किल भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ इसमें की ओर देख सकते हैं, कोई मौका नहीं यहाँ पर मुन्ना के पास भी। और इसी के साथ यहाँ पर फ्री हिट आता हुआ आगे की ओर बढ़ती हूँ, और ये अच्छी गेंद छोड़ दिया कि फ्री हिट थी। बैठने को लगा बहुत ही शानदार, कुछ समझ नहीं आया यहाँ पर थोड़ी मिश्रा को। उतनी खराब फील्डिंग यहाँ पर इंग्लिश को द्वारा फलस्वरूप एक चार रन, जहां एक विकेट मिल सकती थी। एक और डिसाइड में हमारी लेकिन अच्छी भी बढ़िया कीपिंग यहाँ पर देखने को मिली। Yeah.
बहुत ही अच्छा डिफेंस यहाँ पर सीधे बल्ले से सोमू के द्वारा, ये 10वां ओवर चलता हुआ। बढ़िया शॉट बैकफुट पे जाती है ताकि खेला हरिओम खड़े देखी से फील्डिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद और इसी के साथ 10 ओवर के समाप्ति पर 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर अंपायर से और टीम से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से एंड चेंज करें और मैच को रोके नहीं चालू करते रहे। और एक और डिसाइडिंग गेम बाजी तो कहीं ना कहीं टाइम भी और ऊपर होता है। एक और छोटा गेंद लेकिन उतना ही बढ़िया खेला निश्चित रूप से एक बाउंड्री आती हुई सोच के लिए बहुत ही बढ़िया पढ़ाई है महिंदा जिस तरह से कलाइयों का उपयोग करते थे उसी तरह से सोनू ने अपने कलाइयों का उपयोग करके चार रन अपनी टीम गिरे। एक और अच्छी शॉट यहां पर बल्लेबाजी करते हैं 24 के बाद ये दो सामना रनिंग देखने को मिली दोनों की बल्लेबाजों पीछे 3 रन दे लिए। और एक और शॉट का शॉट यहां पर के ऊपर से निकलता 4 रन। शुरुआती कुछ अच्छी गेंदबाजी के बाद ब्लेंडर ने शुरुआत को अच्छे करी। बहुत बढ़िया शॉट यहां पर आता हुआ करता लेकिन फिल्डर को ढूंढ नहीं दे पाए क्या नहीं ढूंढ पाए। एक बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर देखते हैं क्या मिलते हैं चार रन आते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी सुमित के द्वारा। स्टेट की ओर खिला पीछे मैथ्यू फील्डिंग में बहुत ही बढ़िया यूज किया पर पेस बहुत ज्यादा बॉलिंग करते हैं उस साइड हो और पीछे हो लेकिन इसी ग्रीन से टीम है लेकिन नहीं शानदार गेंदबाजी करते हुए।
अच्छी गेंद होते हैं हल्का नोट ला दिया बहुत ही बड़ी स्क्वाड है वाली उतरी अच्छी स्प्रिंग लेकिन कोई मौका नहीं टीम कभी कर देते हैं मैटर 13 गेंदों में बहुत बड़े शॉट लेकिन फील्डर भी चेंज अच्छी गेंद लेकिन वहां पर फील्ड पोजीशन लगाई हुई बहुत बढ़िया जोशी को फोन कर लेना अरे वो अरे वो सामने खड़ा है वो उस तरफ मेरे सामने ब्लेंडर की बोले नाचती है और एक वापसी करी गेंदबाज और सीधा उड़ा दिया डंडा तो डंडा ने हमारा हमारे 36 रन 30 गेंदों का सामना किया और पांच रन चौके शामिल थे तो शानदार बल्लेबाजी मुन्ना के द्वारा पहले ही ओवर में भाई एक मिनट आओ कहाँ से आए हो तुम एंट्री मार रहे हो क्या अपने पहले ही ओवर में स्कोर की बात की जाती है उसके साथ रन एक थोड़ी देर खड़े रह गए यहाँ पर तो एक दोनों को बाहर बता सकते हैं बहुत अच्छी गेंद बैट्समैन ज्यादा समझ नहीं पाए एक और अच्छी गेंद पर्सी के साथ ओवर की समाप्ति 14 ओवर में 107 रन अभी भी 6 ओवर डाले जाने बाकी अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो 153 रन अभी भी दिखा रहा है अच्छी गति से बॉलिंग डालते हैं एक बहुत ही बढ़िया शानदार शॉट आता है सो करके बैठे 6 रन
जिस तरह से कल सुरेश भी बता रहे थे आज के डेट में सोमवार का बैट बहुत ही बढ़िया चल रहा है, उसी तरह से बन मुश्किल कर सकते हैं पर दीपक, लेकिन वापसी करी सही समय में यहाँ पर सभी ने मना किया। दीपक को देख के लग रहा है कि वो लंबे लंबे शॉट खेलना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने बैट को होल्ड किया हुआ है और जो उनकी शैली भी है। एक और अच्छा सिंगल यहाँ पर आता हुआ है, किसी तरह की कोई समझदारी और बल्लेबाजी अभी तक टीम ब्लेंडर ने करी अपने शुरुआती विकेट जाने के बाद, क्योंकि और इसी के साथ एक विकेट मिलता हुआ जयपुर से इसको शॉर्ट पुट खेलने जाते थे और सीधा सामने गेंदे खेली और तीन चौके और एक छक्का इस पारी के साथ थी, तो बहुत शानदार गेंद बल्लेबाजी करी सोमनाथ ने। अगले बल्लेबाज आए हैं भारत बोल 113 मैचों में 1133 रन तक मार चुके हैं 15 गेंदे से और बहुत ही बढ़िया चौका आता है, बहुत चुंबी छक्का है, फील्डर बहुत दर्शक बने रह जाएंगे इस चौके में, बहुत ही शानदार छह यादव दीपक के बैठ से ही यादव पहला छह बहुत ही बढ़िया सिंगल, यही चतुराई भरी बल्लेबाजी होती है कि एक छक्का आ गया उसके बाद सिंगल लेके अब दूसरे बल्लेबाज के कंधे में जोर डाल दिया कि अब भाई तू मार। बहुत ही चतुराई से धीरे देख लिया था बल्लेबाज को पहले ही आगे बढ़ते हुए, लेकिन उतनी चतुराई से हक के हाथों से बॉल फेंकी कौन चलो फंसे थे दीपक, लेकिन उसके साथ ये एक रन और आता हुआ, अच्छी बात ये थी कि यहां पर बैकअप में फील्डर थे, नहीं तो निश्चित रूप से 4 रन और जा सकते थे। बॉल हाथ पे आ नहीं पाई, नहीं तो निश्चित रूप से इस मैच का एक शानदार कैच हो सकता था।
और इसी के साथ 17 ओवर की समाप्ति पर 131 रन, आखिरी 3 ओवर डाले जाने बाकी। अंपायर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि लेकिन बहुत अच्छी गेंद, अभी तक इस पारी में दो फ्री हिट्स मिली है लेकिन दोनों ही नहीं बने। अगली गेंद उधर अच्छा शॉट, लेकिन जिस प्रकार की शॉट की उम्मीद खुद दीपक अपने से कर रहे हैं उस तरह की बल्लेबाजी भी यहां पर नहीं हो पा रही है। बिल्कुल जोर प्लेस पे डाल रहे हैं बॉल, जिससे किसी भी प्रकार की कोई ऐसा गुंजाइश नहीं। और आखिरी के रूप में एक और रन आता हुआ रहे। तो 140 रनों में अगर 25 रन अतिरिक्त के हो तो कहीं ना कहीं ब्रेंडर टीम खुश नजर आएगी। प्रयास था पैरों में बॉल होने लगता था, बैट तक जाता था, 4 रन निश्चित होते थे। इसी के साथ 18 ओवर की समाप्ति पर 140 रन 5 विकेट के यहां पर तो नुकसान हुआ है। अगर कीपर थोड़ी देर जल्दी पकड़ लेते बॉल को तो शायद एक और विकेट का नुकसान यहां पर हो सकता था। लेकिन पीछे कर सकते दीपक लेकिन वापस भेज रहा है भरत राम गोल को। अच्छी यहां पर सूझबूझ बड़ी सोच बहुत ही बड़ा प्रहार और पीछे फिर लेकिन नहीं कोई मौका नहीं यहां पर। शानदार सीधे बैट से खेला दीपक ने। अच्छी फील्डिंग लेकिन उतनी शानदार रनिंग यहां पर देखने को मिली। काफी अच्छी सोच यहां पर भरत की। तो हमी सीधा के अंदर शॉट और सीधा 4 रन के लिए कैमरामैन जोशी बाल में बचे हुए बिल्कुल। एक और अच्छा शॉट लेकिन उतना तक टाइम नहीं हो पाया। ये बार बार दी इतनी रुकावट
एक और ऊपर खेला गया शॉट और तो जितना ग्लेंडर ने सोचा होगा अपने स्कोर से वो मार चुके हैं 153 रन, लेकिन अंतिम क्षणों में भरत की अच्छी सोच थी कि रन तो मारने ही उनको उनकी टीम के लिए इस वक्त अपने लिए। मात्र 5 गेंदे घड़ी लग गई है सुनिए इसकी महक को आप रख सुनिए। इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ को पैड बनाइए और मैच में वापसी करें, और आईएनडी टीम से रिक्वेस्ट है कि अपने बैट्समैन को जल्दी से तैयार कराइए क्योंकि बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर आईएनडी के लिए अतिरिक्त के रूप में एक पहला पंजा आता हुआ और एक और अतिरिक्त रन
सुगेन पश्चिम के द्वारा। अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने खाता नहीं बोला, लेकिन तीन का खाता खोल चुका है और मुक्ति नंबर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेट स्टार्ट किया 14 नंबर की जर्सी। एक और यहाँ पर रन आ रहा हुआ लक्ष्मण के द्वारा, बहुत ही बढ़िया स्विंग हुई बॉल और जबरदस्त विकेट यहां पर ब्लेंडर के लिए। लक्ष्मण जाने जाते हैं अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए, रुकेगा यहां पर खाता भी हो पाए लक्ष्मण जाने जाते हैं अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए, रोशिका यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए अच्छी गेंदबाजी को डाला और विकेट में डाला, खाता भी नहीं बोल पाए और तो वन में तो मैं आपको 40 रन तेईस की एवरेज सुरेश रावत रहे हैं गेंदबाजी में, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर 242 रन में 206 विकेट में दान कर चुके हैं, मात्र 36 दोनों में से लेते हैं रन सुरेश, बहुत ही बढ़िया गेम। तो सुरेश नाम के जितने भी बॉलर होते हैं और जितने खिलाड़ी होते हैं बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं रोहित सुरेश को। एक और अच्छी गेंद, बॉल आउट स्विंग लगातार करते रहते हैं सुरेश, जब बिल्कुल बीच में आ रहे हैं। एक और बढ़िया गेंद असरदार था जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, और एक और एक और अच्छी बॉल सुरेश की लगातार खंडन की तरफ जा रही बॉल, अगली गेंद सुरेश की, एक और अच्छी गेंद में देखी थी, अच्छी काफी फील्डिंग की पोजिशन जो बनाते हैं वो मॉडर्न बनाने के हिसाब से उस गेम में भी हुई फील्डिंग देखने अच्छी टीम है। तो अच्छी गेंद अच्छी वापसी करी है लक्ष्मण ने, उन पर नाम का प्रभाव नहीं है, अच्छी बात है। और एक बहुत ही बड़ा शॉट आता हुआ सीधा 6 रन के लिए, ये इस पारी का पहला छक्का हुआ। चलो बाबा
अरे यार बैटरी है नहीं। बहुत ही बढ़िया से निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए चार अंक लेकिन संभाला अपने आपको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी करने को मिल गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी जिस मैच में गेंदबाजी डाल रहे हैं वहां से रन मारना बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ तीन ओवर की समाप्ति पर 23 रन एक विकेट के नुकसान। एक और अच्छी गेम शुरू इसमें जीत पाएंगे तो अभी हम बड़े गुप्त उनके मिले पाएंगे। और अच्छी गेम फील्डर की पीछे बहुत ही शानदार ड्राइव लगा के हमारे सेव किया चार रन अपनी टीम के लिए दो रन बिल्कुल विक्रम की याद दिलाई जिस तरह से उन्होंने ड्राइव मारी। बहुत अच्छी गेम छोटे खर्च के जरूर हुए उसको गेम खिलाने लेकिन प्रतिभा से भरे हुए बहुत ही बेहतरीन छक्का कवर के ऊपर से जबरदस्त शॉट यहां पर आया हुआ तो पिछले मैच का कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा है इनके बल्लेबाजी में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। अक्सर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बल्लेबाज इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। गोल घटम लकड़ पट्टम है ना जी। हाथों हो रहे होते हैं इस टाइम बहुत ही बढ़िया सीधे बल्ले से खेला बल्लेबाज ने पूरा सम्मान दिया अच्छी गेम कर सकते हैं इस मैच को। एक और अच्छी गेम लेकिन कीपर असफल रहे उस बॉल को पकड़ने में और एक और दिशाहीन गेंदबाजी लक्ष्मण के द्वारा चार रन आते हुए। अच्छी गेंद काफी अच्छी ग्रेट पोजिशन लगा रखी है अगर इस मैच के जरिए और टीमें भी इस गेम को देखेगी तो उनको सुनने को मिलने वाली अच्छी रन देती है। अच्छी गेंद लक्ष्मण की अपनी टर्मों को छोड़ दिया जाए तो लक्ष्मण एक अच्छा शॉट थोड़ी सी स्पीड हुई लेकिन उसका कामया दे एक रन के ऊपर और लेकिन नहीं एक ही रन मिला। आजकल के खिलाड़ी के जैसे बैट अच्छे होते हैं वैसे घुटने भी मजबूत हो चुके हैं कि बॉल लग के जो बाउंड्री की तरफ चले जाते हैं तो अच्छे नॉट किए हुए घुटने भी सभी खिलाड़ियों ने। एक और अच्छी गेंद
एक और बढ़िया शॉट सीधा दौड़ से बढ़िया चार रन के लिए सीधा इसकी पर दौड़ कर रखता है। पारी का ये पहला स्टॉप ठीक है ले आओ। हाँ हाँ जो मिले उठा लो भाई। ठीक है भाई हाँ अगले महीने चलेंगे पहाड़ हाँ बता रहे बात बात चुक रहे यहाँ खड़ा होना सही तुम बैठो आराम से मैं आता हूँ ठीक है हाँ रिकॉर्ड करते हैं फिर थोड़ा काम करते हैं एडिटिंग करते हैं उसको रिप्ले अपने बनाते हैं फिर यूसे इसको डालते हैं अपने गोल गट्टम गोल गोल गट्टम जी ओ एल जी ए डबल टी एम जी ओ एल जी ए जी ए डबल टी
AM. ओके भैया थैंक यू. एक और बढ़िया एक और अच्छा शॉट और इसी तरह खेला गया मात्र एक रन में देगा और एक और ऐसे बड़े Thank you.
जबरदस्त करके चार रन अपने लिए और अपने टीम के लिए जोड़े। धीरे धीरे आएंगे तो यूज करेंगे।
लेकिन कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं और इसी के साथ 15 ओवर की समाप्ति पर पलाव अलग है रात का अलग है। Hey!
हाथू कर ले जा। बहुत अच्छा किया गया। बचा लिया बचा लिया। नहीं शायद लेकिन शाम को क्या है अच्छा एक मिनट थोड़ा मैं भी करता हूँ बात है। ये गया फौरन के लिए बहुत अच्छा फौरन बदला दिया। ये गया फौरन के लिए रुक नहीं रुका कैमरे के सामने तुम बहुत आते हैं जा रहे हैं।
जीएलपी पिंग बॉल टूर्नामेंट का ये आठवां लीग मैच खेला गया टीम ब्लेंडर और आईएनडी रॉयल्स के बीच में। जैसा कि आज आईएनडी रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बहुत ही बढ़िया फैसला था उनका, और काफी जल्दी उन्होंने विकेटें भी ली। मैथ्यू ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी अपनी टीम के लिए और साथ दिया रवि शंकर ने। तीन ओवर में मात्र 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं अंकित भारद्वाज ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए और हिमांशु ने भी 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी और टीम ब्लेंडर से बहुत ही खतरनाक टीम है बल्लेबाजी के लिए। तो उनको कहीं ना कहीं 154 पे रन पे रोक कर कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए जीत की संभावनाएं जगाई थी। लेकिन हर बार की तरह आईएनडी रॉयल्स ने अच्छी शुरुआत के बाद आखिरी क्षणों में अपने हाथों से मैच निकाला, तो कहीं ना कहीं उनको भी अफसोस हो रहा होगा इस मैच को जीतने के से बस 2 कदम दूर रह गए। कोई नहीं, हार्ड लक टीम आईएनडी, आपका गेम दिन ब दिन आगे की ओर बढ़ रहा है होपफुली, और किसी दिन ऐसा आएगा टूर्नामेंट भी जीतेंगे। शो ऑल द बेस्ट। आज इस पूरे मुकाबले की बात की जाए तो ब्लेंडर से सोमनाथ नेगी और मुन्ना ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी और 36 रनों का मुन्ना ने और सोमनाथ नेगी ने 30 रनों का योगदान देकर अपनी टीम को एक बहुत ही बढ़िया स्कोर पहुंचाया। जब बल्लेबाजी करने आई टीम आईएनडी तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी टीम आईएनडी ने, और एक तरफ लग रहा था जब आखिरी 3 ओवर बचे थे तो आईएनडी बिल्कुल ऊपर चली थी, लेकिन अंतिम क्षणों में ही टीम ब्लेंडर ने गेम को मोड़ा और विपक्ष में कर लिया। लेकिन आशीष के द्वारा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 65 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए मात्र 60 गेंदों में, 7 चौके और 2 छक्के इस पारी में। आज के बाद त्यौहार की बात की जाए तो वहां पर जितने भी अंपायर थे और जितने भी यहां पर सभी दर्शकों की चॉइस, मैथ्यू बहुत ही शानदार बॉलिंग और बहुत ही शानदार फील्डिंग मैथ्यू के द्वारा, बेस्ट फील्डर मैथ्यू। बेस्ट बॉलर की बात की जाए रवि शंकर, 3 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम पर किए। आशीष सिंह शानदार बल्लेबाजी आशीष के द्वारा, एक बार फिर से आशीष प्लेयर ऑफ द मैच, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दिखाई आशीष ने। और आज की मैच के हीरो सोमनाथ नेगी, शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करी सोमनाथ नेगी ने, जबरदस्त फॉर्म में ये खिलाड़ी इस टाइम पे उत्तराखंड के कली मैच में एक शानदार हमारी विशेष आगे आने वाले मैचों में प्रदर्शन उसी तरह से करते रहिए। थैंक यू सो मच।